हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वेल एज रेनबो कैसे फॉर्म होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो धीरे धीरे हर एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, हर एक कंसेप्ट समझेंगे। समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक कंसेप्ट समझेंगे और उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये होता क्या है, पार्शियल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो सीखेंगे। तो जब ये एक लाइट है, ये देखो, ये लाइट सोर्स दिख रहा है तुमको। ये लाइट सोर्स जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करता है। डेंसर मीडियम मतलब क्या, तुम्हारा हो गया वाटर, रेयर मीडियम हो गया तुम्हारा एयर। तो वाटर डेंसर मीडियम है, एयर रेयर मीडियम है। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है कि व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखो, ये वाली जो लाइन हो गई, ये तुम्हारी हो गई नॉर्मल की लाइन, जो इमेजिनरी लाइन रहती है। ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब ऐसा रे जो लाइट से निकलता है, रिफ्लेक्टेड रे, जो जब भी मीडियम चेंज होता है तो जो रेज होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलता है व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, इट गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड, दैट इज द पार्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक टू द डेंसर मीडियम एज पर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ मार्क कर लो फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये तुम्हारी हो गई डेफिनेशन पार्शियल रिफ्लेक्शन की। पार्शियल रिफ्लेक्शन मतलब क्या, अब ये समझेंगे। अब ये देखो, ये लाइट रेज जो है, लाइट रेज निकल रही है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये क्या होगा, थोड़ी बहुत रेस एस्केप कर जाएगी, दैट विल बी और रिफ्रैक्टेड रे मतलब ये रेस तुम्हारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। एंड थोड़ी बहुत जो बची हुई रेस है ये क्या हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी तुम्हारे वही डेंसर मीडियम में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर कोई इंसिडेंट रे पास होती है तो थोड़ी रेस रिफ्रैक्ट हो जाएगी टू नेक्स्ट मीडियम और थोड़ी रेस वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन, क्योंकि पार्शियल मतलब क्या, थोड़ा, आधा। थोड़ी सी रेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, थोड़ी रेस दूसरे मीडियम में चली जाएगी। देखो आगे लिखा हुआ भी है, द रेस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड इन टू द रेयर मीडियम, मतलब बची हुई लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है दूसरे मीडियम में, ठीक है। तो अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है, दिस इज आर वाटर डेंसर मीडियम, अभी रेयर मीडियम में लाइट जा रही है। तो क्या होगा, इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब नॉर्मल के साथ, ये जो नॉर्मल लाइन है इसके साथ जो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल बनाएगा, ये देखो, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके साथ जो एंगल बनाया है दैट इज आई। तो ये हो गया अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल लाइन के साथ बनाया है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल जो इंसिडेंट एंगल रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, ये छोटा रहेगा कंपेयर टू रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है या फिर रिफ्लेक्शन जो भी बोल सकते हैं, ये दोनों से एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा रहेगा। एंड जैसे जैसे ये जो लाइट है आगे पास होती रहेगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बड़ा होगा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन उससे और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, तो इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, बिकॉज अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा बड़ा है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ ये चीज तुम्हें बोलता है, स्नेल एक ऑफकोर्स साइंटिस्ट है, इन्होंने ये चीज बोली है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये छोटा रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन से, ठीक है। अभी जैसे जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा, करेक्ट। और ऐसा एक एंगल आएगा इंसिडेंस का, ये देखो, ये थर्ड केस में दिख रहा है तुमको, ये थर्ड केस में ध्यान दो, ये देखो, ये जो थर्ड लाइन है इसमें ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिसमें तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखो, ये तुम्हारा जो हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसमें तुम्हारा रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं,
इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। सो देखो यहाँ पे तुमको ये कंसेप्ट दिखेगा, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए तुम्हारा आर बन जाता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन जाता है, या फिर रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाता है, तो इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसी एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अभी तुम एक कंसेप्ट समझ लो कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये तो 90 डिग्री हो गया, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके वजह से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन रहा है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। किसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को नहीं बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसा वैल्यू है जिसके वजह से तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एंड जब भी तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इंसिडेंट एंगल है मेरा 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री के इंसिडेंट एंगल के लिए मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर मेरा इंसिडेंट एंगल आगे चल के 70 डिग्री से बड़ा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 85 डिग्री हो जाता है, तो मेरी लाइट एस्केप ही नहीं करेगी, मेरी लाइट एस्केप नहीं करेगी, मतलब इधर मेरी लाइट क्या हो जाएगी, पूरी टोटली रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, पूरी लाइट मेरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब ही मेरी इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से, दैट इज ऐसा एक एंगल जिसपे मेरी रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो रही है, तो वो एंगल को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। एंड क्रिटिकल एंगल से अगर मेरा इंसिडेंट एंगल का वैल्यू बड़ा है तो मेरी पूरी लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ी भी लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी। तो इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा रेनबो फॉर्मेशन का कंसेप्ट। तो इस अभी हमने सीखा पार्शियल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक और बार रिवाइज करा दूंगा। पार्शियल रिफ्लेक्शन मतलब अब इंसिडेंट रे जब भी पास होती है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, तो सम अमाउंट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द ओरिजिनल मीडियम, मतलब वाटर में ही थोड़ी बहुत लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ी बहुत लाइट एस्केप हो जाएगी, एंड अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, तो क्या होगा, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। एक ऐसा वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस का जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। एंड जब भी ये मेरी इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है तो मेरी लाइट रिफ्रैक्ट करेगी ही नहीं, वो पूरी की पूरी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट। अभी कमिंग टू द रेनबो फॉर्मेशन वाला पार्ट, अभी रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, अभी बारिश का समय, तुमको मालूम है बारिश के टाइम रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 सेकेंड। इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है जब भी रेनबो फॉर्म होता है, तो ऑफ कोर्स बारिश गिरती है। ठीक है, जब भी बारिश गिरती है तभी वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, करेक्ट, वाटर के ड्रॉपलेट्स आसमान से नीचे गिरते हैं। एंड ये तुमने सबने बचपन में सुना रहेगा कि जब भी बारिश गिर रही है तभी वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, एंड जब भी बारिश एंड सन एक साथ आते हैं तभी रेनबो फॉर्म होता है। तो इसके पीछे भी एक कंसेप्ट है, साइंस का एक कंसेप्ट है जिसको अपन रेनबो फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसको अभी अपन सीखेंगे। तो जब भी बारिश होती है, देखो ये ऐसे वो तुम्हारे रहते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, 2 सेकेंड, ये देखो ये रहते तुम्हारे वाटर ड्रॉपलेट्स, ये ऐसे बारिश के टाइम पे गिरते हैं। इधर रहता है तुम्हारा सन, ठीक है, ये जो सन से लाइट्स आती है ये डायरेक्टली तुम्हारे वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर गिरती है। तो अभी जब ये वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर ये सनलाइट गिरती है तो क्या होता है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, दीज वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स एज अ प्रिज्म,
ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ये एज अ प्रिज्म एक्ट करते हैं, ये हो गई तुम्हारी वाटर ड्रॉपलेट, ये एज अ प्रिज्म एक्ट करेंगे। प्रिज्म मतलब क्या, हमने ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कंसेप्ट में सीखा था कि जब भी लाइट, कोई भी लाइट अगर एंटर करती है एक प्रिज्म में, इट गेट्स डिस्पर्स्ड डिस्पर्स्ड इनटू सेवन कलर्स, ठीक है, एक सेवन कलर्स में वो डिस्पर्स करती है। तो जैसे ही ये लाइट रे अगर ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ऊपर गिरी तो क्या होगा, ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑलवेज एयर मीडियम है ये रहेगा तुम्हारा वाटर मीडियम, वाटर ड्रॉपलेट तुम्हारा वाटर का मीडियम रहेगा, तो इट इज गोइंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो ये जो लाइट रे है तुम्हारी ये हो जाएगी तुम्हारी रिफ्रैक्ट, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट तो हो जाएगी, बट इसी के साथ साथ तुम्हारी ये जो लाइट रेज है ये रिफ्रैक्शन के साथ साथ इधर हो जाएगा तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये पॉइंट पे तुम्हारा हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट हमने देखा कि लाइट जब ये एंटर करती है तो लाइट हो जाती है डिस्पर्स, डिस्पर्स होने के बाद ये लाइट उसी के साथ साथ रिफ्रैक्ट भी हो जाती है, तो अब ये जब भी डिस्पर्स और रिफ्रैक्ट हो रही है एक पॉइंट पे, इधर आके तुम्हारी लाइट हो जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो अभी हमने कंसेप्ट सीखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इधर होगा लाइट का, एंड यहां से तुम्हारी लाइट वापस एस्केप करने के लिए इधर आ जाएगी, एंड जब ये लाइट रेज ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, एंड वापस जब ये लाइट रेज बाहर आ रही है, वापस बाहर आते टाइम ये वापस क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, वापस रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बिकॉज अगेन ये डेंसर मीडियम से वापस रेयरर मीडियम में जा रही है लाइट, एंड जैसे ये लाइट रेज बाहर आई तो ऐसे तुम्हारा ये रेनबो फॉर्म हो गया। अभी रेनबो फॉर्म हो गया तो ये एक ड्रॉपलेट से होगा क्या, नहीं, ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स के साथ ये चीज होती है, इसलिए तुमको रेनबो आसमान में दिखता है। वापस एक बार ये कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, जब भी एक लाइट रे एक वाटर ड्रॉपलेट में आती है, गिरती है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म जैसे एक्ट करता है, इसमें जब भी लाइट एंटर करती है ये वाटर ड्रॉपलेट में तो ये डिस्पर्स हो जाती है, डिस्पर्स इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, मतलब ये व्हाइट लाइट तुम्हारी अलग अलग कलर्स में ये हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है या फिर ब्रेक डाउन हो जाती है, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने के बाद इसके अंदर ही, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है, इधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद जब ये लाइट वापस बाहर आती है तो वापस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, एंड तुम्हें ये रेनबो दिखाई देता है। एक बार हम लोग थियोरेटिकल भी पढ़ेंगे। सी यहाँ पे तुमको दिखता रहेगा, रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फेनोमेना, ऑफ कोर्स कि रेनबो एक बहुत प्यारा नजारा है देखने के लिए, इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है, इसमें बहुत सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होते हैं, इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब इसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ये लाइट ब्रेक डाउन हो रही है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है मतलब जब ये रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम या फिर डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम ट्रेवल कर रही है तो ये लाइट तुम्हारी टेढ़ी हो रही है, इट इज बेंट, जब भी अंदर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब भी बाहर आती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब भी ये डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम ट्रैवल करती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, एंड देन इधर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दी स्मॉल ड्रॉपलेट्स एक्ट एज अ प्रिज्म, व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन एंटर्स दीज ड्रॉपलेट इट गेट्स रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स, देन देर इज एन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज शोन इन द फिगर, एंड आफ्टर दैट वंस द लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड वाइल कमिंग आउट ऑफ द ड्रॉपलेट ऑल दीज थ्री प्रोसेस कम टूगेदर टू प्रोड्यूस अ रेनबो, ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीन प्रोसेस जब एक वाटर ड्रॉपलेट और एक लाइट रे के ऊपर अकर होती है तो तुम्हारा रेनबो निकलता है, एंड ऐसे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ आते हैं इसलिए हमें आसमान में रेनबो दिखता है। दैट वॉज माई टाइम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, बाय बाय।